टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्म मैन्योर. इसको हम कह सकते हैं फर्टिलाइजर और खाद. एक्चुअली जो अभी आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि मैन्योर क्या है, मैन्योर इज अ ऑर्गेनिक थिंग, नेचुरल थिंग. फर्टिलाइजर क्या है, फर्टिलाइजर हो गया केमिकल थिंग. सो इन सबको एक जनरल उसमें अगर हम अपनी लैंग्वेज में डेली यूज में जो फार्मर्स यूज करते हैं दे यूज द वर्ड खाद. ओके, नाउ एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, व्हाई फार्मर्स स्प्रेड्स मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स. तो जैसे हमने देखा था व्हाट इज द टॉपिक फॉर टुडे कि हाउ डू दीज मैन्योर्स गेट रिप्लेनिश्ड. तो वो ही है कि हमें, क्योंकि वो जब हम अपने फील्ड में डाल रहे हैं दे आर गेटिंग फिनिश बाय द प्लांट्स. वो कैसे फिनिश हो रहे हैं, क्यों, एंड इसलिए जब वो फिनिश हो रहे हैं फार्मर्स आर स्प्रेडिंग इट. हर क्रॉप से पहले दे हैव टू स्प्रेड दिस मैन्योर या फर्टिलाइजर. तो अ सिंपल थिंग इज टू इंक्रीज द फर्टिलिटी. फर्टिलिटी ऑफ वॉट, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. व्हाई डज देयर इज अ नीड टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, बिकॉज ऑल न्यूट्रिएंट्स आर टेकन फ्रॉम द सॉइल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज इट गुड टू ऐड फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स इन द सॉइल. हमने कहा कि फर्टिलिटी को इंक्रीज करना, लेकिन उसके साथ अगर हम थोड़ा एडवांस लेवल में जाएं इट विल गो टू मेंटेन द लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो दीज टू टर्म्स आर वेरी नियर अबाउट, दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर. टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड टू मेंटेन द लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि हमारे सॉइल में कुछ नेचुरल भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं. बट इफ वी कीप ऑन ग्रोइंग प्लांट्स ऑन द सेम सॉइल एंड वी डोंट ऐड एनीथिंग, तो उनका जो नेचुरल एक जो बाय नेचर जो एक बैलेंस बना है वो डिस्टर्ब हो जाता है. वो डिस्टर्ब नहीं हो, उनका जो लेवल है डेट शुड रिमेन मेंटेन. इसलिए देयर इज अ नीड टू स्प्रेड फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स इन द सॉइल. नेक्स्ट, अब हम देखते हैं, तो ये जो अभी हमने बात करी, अगर हम देखें टाइटल क्या है आज का, अबाउट द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड द टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. ये प्रोसेस कैसे चलता है, लेट अस सी. देखो, प्लांट्स जो होते हैं दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. व्हाई डू दे टेक ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, टू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, अब प्लांट्स जो हमारे सॉइल में कुछ था प्लांट्स ने लिया, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ. अब बिकॉज प्लांट्स हैव टेकन समथिंग फ्रॉम द सॉइल, तो क्या होगा, जो मिनरल लेवल होगा इट विल डिक्रीज इन द सॉइल. अब हमारे पास कोई चीज है, आपके पास अगर 10 टॉफीज है, यू आर टेकिंग आउट 2, तो क्या हो गया, 2 की आपके जो टोटल है उसमें कमी हो गई. आपने और ज्यादा लिया, आपको भूख लगी, आपने 2 और ली, अब हो गई 4, तो टोटल में से हमारी 4 कम हो गई. अब हमारे पास कितनी बची, 6, अब ने और लिया उसमें बची, आपने 2 और ली, 8. क्या हो रहा है, लगातार कमी हो रही है. आप उसको मेंटेन अगर आप उसमें एड ऑन नहीं करेंगे, आपको नेक्स्ट टाइम कहां से खाने को मिलेगा. द सेम वे हमारा प्लांट्स के साथ चलता है कि दे आर टेकिंग न्यूट्रिएंट्स, दे आर गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, द मिनरल्स द न्यूट्रिएंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द सॉइल दे आर गेटिंग डिक्रीज. अब इसको मेंटेन करने के लिए कि वो डिक्रीज नहीं हो, सो डेट अभी प्लांट ने लिया लेकिन धीरे धीरे जब ग्रो हो रहा है इट शुड गेट ऑन अ रेगुलर बेसिस वी एड फर्टिलाइजर्स एंड मिनरल्स. और ये जो फर्टिलाइजर्स एंड मिनरल्स होते हैं मेनली इसमें क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम. ओके, सो ये सब हम लोग डालते हैं बिकॉज दीज आर द वेरी एसेंशियल कंपोनेंट्स जो प्लांट्स को कहीं और से नहीं मिलते. कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है नेचर से, वाटर मिल जाता है नेचर से, सनलाइट नेचर से मिल जाता है, लेकिन दीज न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू बी टेकन फ्रॉम द सॉइल, दे हैव टू बी टेकन फ्रॉम द सॉइल, क्योंकि देयर इज नो अदर सोर्स टू गेट दीज न्यूट्रिएंट्स. नाउ अब हमने कहा, यहाँ पे हमने बात करी है नाइट्रोजन की. ओके, नाइट्रोजन, सो नाइट्रोजन अगर हमने पहले वाले सेशन में भी देखा था, नाइट्रोजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द प्लांट ग्रोथ. व्हाई, सो प्लांट्स जो होते हैं दे रिक्वायर लॉट्स ऑफ नाइट्रोजन.
अब ये जो नाइट्रोजन है क्यों उनको चाहिए, क्योंकि प्लांट्स हैव टू मेक प्रोटीन्स आल्सो। हमने अभी पढ़ा था प्लांट्स मेक कार्बोहाइड्रेट शुगर, ओके। लेकिन प्लांट्स से हम क्या कहते हैं, हमें दालों से प्रोटीन्स मिलती है, तो प्रोटीन्स कहाँ से आ रहा है, क्योंकि वो जो प्लांट है इट प्रिपेयर्स इट सिंथेसाइज द प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स बनाने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट नाइट्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन द सॉइल। नाउ अब क्या होता है, जब हमारे हार्वेस्ट हो जाता है, कटिंग हो जाती है, ओके, तो वो प्लांट ने जितना नाइट्रोजन है वो ले लिया होता है, तो देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। तो वही आ गया, जो हमने फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, जो हम खाद डाल रहे हैं, वो सब इन्हीं जो हमने जो प्लांट्स ने ले लिए हैं इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, उनको वो फिर से फिल्ड डाउन करता है। तो इट इज यू कैन से कि जो फर्टिलाइजर्स हैं दे आर अ वेरी बिग थिंग, वेरी बिग पैकेट जो हम एड ऑन करते चले जाते हैं, सो डेट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल रिमेन्स फॉर एवर। नाउ अब जो नाइट्रोजन है इसके बारे में हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। नाइट्रोजन क्या है, दिस इज अ गैस एंड दिस गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एटमोसफेयर। अगर आप एटमोसफेयर में गैसेस की परसेंटेज देखेंगे तो दिस नाइट्रोजन हैज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ दिस नाइट्रोजन। आई रिपीट अगेन, द एयर हैज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। सो प्लांट्स क्या है, जो एक बहुत क्रिटिकल थिंग हमारी आ रही है, दे कैनॉट यूज इट डायरेक्टली, डायरेक्ट वो नहीं ले सकते। जैसे दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे दे टेक वाटर, जैसे दे टेक अदर न्यूट्रिएंट्स, बट दिस नाइट्रोजन कैनॉट बी टेकन बाय प्लांट्स डायरेक्टली, ओके। सो दिस नाइट्रोजन कैसे वो लेते हैं, दे टेक इट, दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म, वो किसी चीज में मिक्स होकर आनी चाहिए। अब ये प्लांट्स कैसे लेते हैं, लेट अस सी। ये जो हमारा है नाइट्रोजन, अभी हमने कहा है क्या है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मींस जो हमारे नेचर में प्रेजेंट है। सो ये जो होती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हमारा सॉइल में कैसे जाती है, बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरियम, राइजोबियम बैक्टीरियम। ये आपने पहले भी पढ़ा था कि इन लेगुनस प्लांट्स दीज बैक्टीरिया आर प्रेजेंट, और ये जो बैक्टीरिया होते हैं दे टेक द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और ये जो नाइट्रोजन अगर है तो ये हमारे लाइटनिंग इफेक्ट, ये लाइट आप देख रहे हैं ना, बिजली का साइन सा बना रखा है, सो ये हमारे लाइटनिंग इफेक्ट से भी सॉइल के अंदर जाती है। लेकिन जब तक राइजोबियम बैक्टीरिया उसको एक सोल्यूबल फॉर्म में चेंज नहीं करते, प्लांट्स कैन नॉट टेक, ओके। और उन राइजोबियम बैक्टीरिया का क्या काम है, टू चेंज द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इंटू सोल्यूबल नाइट्रोजन। सो आप देख रहे हैं एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इज टेकन बाय अ बैक्टीरिया एंड दिस बैक्टीरिया राइजोबियम इज चेंजिंग द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन टू सोल्यूबल नाइट्रोजन। सो अब हम थोड़ा सा पता करते हैं, जो हम राइजोबियम बैक्टीरियम बार बार बोलते हैं, तो वॉट इज दिस, तो ये जो होता है दिस राइजोबियम बैक्टीरियम कैनॉट मेक देयर ओन फूड। तो क्या हो गया, जैसा हमने पहले सेशन में सीखा है, इट हैज अ पैरासिटिक या सेप्रोट्रॉफिक नेचर। सो ये क्या होता है, दे कहाँ रहते हैं, दे लिव इन द रूट्स ऑफ प्लांट्स लाइक ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एक्सेट्रा। और वो उसमें क्यों रहते हैं, सो डेट दे कैन टेक द फूड एंड शेल्टर। नाउ अब ये देखें, अगर हम जो हमने सीखा है इट इज समथिंग लाइक सिम्बायोटिक नेचर, ये प्लांट्स के रूट्स में रहते हैं, ये प्लांट्स से अपना खाना लेते हैं एंड इन रिटर्न दे ऑल्सो हेल्प प्लांट्स, क्योंकि अगर वो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को दे विल नॉट चेंज इनटू सॉल्युबल नाइट्रोजन, तो प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाएगी। सो क्या है, दिस इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन राइजोबियम बैक्टीरियम एंड द रूट्स ऑफ द प्लांट्स ऑफ लाइक पीस, मूंग एक्सेट्रा। सो अब क्या है, जो अभी हमने बताया वो ही है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये प्लांट्स को नाइट्रोजन देते हैं, तो
जैसा मैंने अभी कहा था, दे शो द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में, बिटवीन प्लांट्स एंड द बैक्टीरिया। तो आप ये देखें, जो हमारे पीस प्लांट होते हैं, ये जो हमने अभी मूंग की बात करी है, इसमें दीज आर द रूट्स, ये जो आपको दिखाई दे रहा है दीज आर द रूट्स, और इसमें ऐसे नोड्यूल्स, इनको हम क्या कहते हैं, नोड्यूल्स, दीज आर नोन एज नोड्यूल्स। मीन्स अगर हम हिंदी में प्रॉपर बोले तो गांठे जैसे कहते हैं, आप थ्रेड को कई टर्न करके जो गांठे बना देते हैं, दे आर इन दिस, एंड इन दीज नोड्यूल्स बैक्टीरिया आर प्रेजेंट। आपको समझ में आया? तो ये जो नोड्यूल्स हैं, दे एक्ट लाइक अ शेल्टर फॉर दिस बैक्टीरिया, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो आप देखें, एक ये के प्लांट का है, ऐसे आपको जो हमने अभी एग्जांपल्स दिए हैं प्लांट्स के, इन दैट द रूट्स दिस बैक्टीरिया आर प्रेजेंट। नाउ सो ये जो एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम एंड लेगुमिनस प्लांट्स है, ये दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फार्मर्स। व्हाई? बिकॉज दे डू नॉट नीड टू एड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल, क्योंकि मेन हमारा फर्टिलाइजर्स का काम क्या है, टू गिव न्यूट्रिएंट्स, टू गिव नाइट्रोजन, टू गिव फॉस्फोरस टू द सॉइल। तो अगर हमने ये नेचुरल वे में कर दिया, हमने लेगुमिनस प्लांट्स ग्रो कर दिए, एंड देयर आर एनफ राइजोबियम बैक्टीरिया, तो दे, और एटमोसफेयर में वी हैव अ ग्रेट परसेंटेज ऑफ दीज नाइट्रोजन, तो अगर हमने पूरी नाइट्रोजन अपनी यूटिलाइज कर ली, सॉइल में फिक्स कर दी, तो देयर इज नो यूज टू एड फर्टिलाइजर्स। तो इससे दो बेनिफिट हैं, एक तो दे आर सेविंग देयर कॉस्ट, जो उनको उसमें पैसा लगाना है वो बच रहा है, प्लस ये क्या हो रहा है, कोई केमिकल नहीं ऐड कर रहे, और ये ऑर्गेनिक है, सारा क्या है, नेचुरल वे में हो रहा है, तो कोई भी हार्मफुल थिंग इज नॉट गेटिंग एडेड टू देयर क्रॉप। तो आपको जैसे हमने पढ़ा है, हम क्या करते हैं, जो एक पहले पढ़ा था क्रॉप रोटेशन, वी हैव लर्न्ड अबाउट क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन मींस क्या हुआ, कि एक बार हमने प्रॉपर एक क्रॉप ग्रो करी, उस क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद हमने क्या स्टार्ट करा, हमने एक नया प्रोडक्शन सेम सॉइल में करा, डेट इज ऑफ पी बीन्स ग्राम्स इनका, जिससे जो उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो एंड दे टेक द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। नाउ कैन वी से इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटरोट्रॉप्स। हमने इंसेक्टिवोरस प्लांट, याद है पिचा प्लांट की बात कर रही थी, तो यस वी कैन से, क्यों, एज दे एज पार्शियल फूड दे मेक ऑन देयर ओन, थोड़ा तो वो खुद बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको याद होगा हमने बात करी थी, दीज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर क्लोरोफिल इन देम, तो दे मेक इट, लेकिन जो नाइट्रोजन का पार्ट है जो उनको नहीं मिलता है, दे टेक इट बाय ईटिंग इंसेक्ट्स। तो वी कैन से डेट दे शो अ पार्शियल हेटरोट्रॉपिक नेचर। सो वही है कि एंड सम न्यूट्रिएंट्स दे टेक बाय ईटिंग इंसेक्ट्स, तो सम बाय फोटोसिंथेसिस एंड सम बाय ईटिंग इंसेक्ट्स। नाउ कैन वी से इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटरोट्रॉप्स, यस, एज दे मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ सम पॉइंट्स टू रिमेंबर, वो प्लांट क्या है हमारे, कि मोस्ट प्लांट्स क्या हैं, दे आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। समझ में आया, ऑटोट्रॉप्स, डू यू रिमेंबर दिस टर्म, यस, दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड ऑन देयर ओन, लेकिन ओनली फ्यू प्लांट्स लाइक इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर हेटरोट्रॉप्स, दे आर हेटरोट्रॉप्स, दे शो द हेटरोट्रॉपिक नेचर। जैसे कौन कौन से प्लांट्स, आपको याद आए कुछ, यस, हमने लाइकेंस की बात करी थी, ओके, हमने फंगाई की बात करी थी, हमने किसकी और बात करी थी,
तो आप सोचें, आप इस समय सोचें हमने कौन कौन से प्लांट्स की बात करी थी। उसमें हमने ये भी देखा था इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में कि वो जो हैं, जैसे अभी हमने देखा कि थोड़ा वो खाना खुद बनाते हैं, बट फॉर सम स्पेशल न्यूट्रिएंट्स दे आर डिपेंडेंट ऑन किस पर, अदर इंसेक्ट्स, सो डेट जो उनका डेवलपमेंट है वो हॉल्ट नहीं हो, रुके नहीं, दे कीप ऑन ग्रोइंग। एंड लेकिन उसके साथ हम एक चीज और देख रहे हैं कि ऑल एनिमल्स आर हेटरोट्रॉप्स, सारे एनिमल्स हेटरोट्रॉप्स है। क्यों? बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो कैसे है आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। तो अब तक हमने क्या सीखा, वॉट डिड वी लर्न टूडे, वी लर्न अबाउट हाउ नाइट्रोजन कैन गेट फिक्स्ड इन द सॉइल, बिकॉज नाइट्रोजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। ओके, एंड टू फिक्स दिस एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन वी नीड राइजोबियम बैक्टीरिया, एंड दिस इज द बेस्ट सोर्स फॉर अस फॉर द प्रॉपर प्लांट डेवलपमेंट। लेकिन अगर हम ये नहीं कर पाते हैं तो वी एड फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सो दिस वॉज अवर लर्निंग टूडे, प्लीज डू रिवाइज दिस पोर्शन वेरी क्लियरली सो डेट एक एक चीज आपको इतना अच्छा परफेक्ट हो जाए कि यू कैन राइट योर आंसर्स वेरी क्लियरली। टिल वी मीट अगेन, टेक केयर। नेक्स्ट सेशन में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। टेक केयर, बाय।